हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अबे बहन होगी तेरी। वेल फ्रेंड्स, जहां पर हमारे हीरो का पिता कहता है कि जितनी भी हमारे एरिया में औरतें हैं वो तुम्हारी माँ और बहन है, और जहां पर हीरोइन का भाई हर उस लड़के के हाथों में राखी बांध देता है जो उसके बहन को प्यार की नज़र से देखता है। और फ्रेंड्स, जब आप किसी लड़की से प्यार करते हो और उस लड़की के सपने देखते हो, उसके हाथ से जब आप पहला कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीकर वो प्लास्टिक का कप अपने पैंट में छुपाते हो, और वो पहली बाइक राइड वो लड़की के द्वारा दिया हुआ पहला किस आप जिंदगी भर याद रखते हो, यही कुछ छोटी चंद चीजों को लेकर डायरेक्टर अजय पन्नालाल लेकर आए हमारे सामने फिल्म बहन होगी तेरी। वेल फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि आपके पास जब पैसे कम हो, जब आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन ना हो, तब बनकर आती है एक बढ़िया फिल्म। वही फिल्म का नाम है बहन होगी तेरी। वेल फ्रेंड्स, जब एक्टिंग की बात की जाए तो राजकुमार यादव, जो आपके राजकुमार राव बन गए हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो फ्रेंड्स कम है। हर फिल्म के साथ उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव क्या, मैं उनको आज इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लीग में डाल सकता हूँ। और हर एक फिल्म के बाद, चाहे वो सिटी लाइट्स हो, चाहे वो रिसेंटली रिलीज ट्रैप्ड हो या अलीगढ़ हो, राजकुमार राव जो एक एक्टर इमर्ज होकर आए हैं हमारे इंडस्ट्री में, एक ब्लेसिंग की तरह है। और इस फिल्म में एक और नौजवान युवक है जिसका नाम है हैरी टंगरी। हैरी टंगरी फ्रेंड्स वही इंसान है जिसने MS धोनी जो फिल्म थी उसमें युवराज सिंह का पात्र निभाया था। इस रेंज का कलाकार बहुत सालों के बाद पर्दे पर आया है और अनइंटेंशनल कॉमेडी कर जाने वाला, हीरो जैसा दिखने वाला एक्टर हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम है। हैरी टंगरी इज अ रेवोल्यूशन। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो ये फिल्म दर्शाती है, वो है कि हम आजकल के ज़माने में हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे नेबर यानी कि पड़ोसी हो गए, उनसे इतना डरते हैं कि उनका ओपिनियन हम अपने पे थोप देते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे कह दे कि आपकी लड़की, आपकी बहन किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, तो बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए, बिना कुछ इंफॉर्मेशन निकाले हुए, आप अपने पड़ोसियों पे, अपने रिश्तेदारों पर इतना विश्वास करते हैं कि आप अपने खुद की बहन बेटा उस पे विश्वास ना करते हुए, जो अनविश्वासी दुनिया है वो इस फिल्म में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और किस तरह एक मोहल्ला है जहां पर कोई भी लड़का अगर आपकी बहन को लाइन मार रहा है तो उसके हाथों में राखी बंधवा दी जाए, और जब बाप अपने बेटे से कहता है कि अरे बेटा इस मोहल्ले की हर एक औरत तेरी माँ और बहन है, ऐसी फिल्म है फ्रेंड्स बहन होगी तेरी। तो फ्रेंड्स, क्या है फिल्म बहन होगी तेरी और क्यों ये फिल्म इतनी अच्छी बनाने के बावजूद मार खा जाती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता है, सरल भाषा में कहूँ तो आपको ले जाया जाता है एक होटल में छोले भटूरे खाने के लिए। छोले आते हैं, भटूरे आते हैं, लेकिन वो ठंडे रहते हैं। यही हुआ है फिल्म बहन होगी तेरी के साथ। विकास मोहन बहुत बड़े ट्रेड एनालिस्ट थे, उनकी बुक्स आती थी मैगजीन सुपर सिनेमा, उनका देहांत होने के बाद उनके पुत्र अमूल मोहन और अंशुल मोहन ने अपना प्रोडक्शन हाउस लेके अलॉन्ग विद टोनी डिसूजा ये फिल्म बनाई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय पन्नालाल ने, जिसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया है किस तरह उत्तर भारत में यूपी जैसे शहर में, किस तरह मोहल्लों में हर एक अपना पड़ोसी, अपने नेबर्स, उनका ओपिनियन कितना मैटर करता है। और चुगली यस फ्रेंड्स, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, कोई लड़की किसी लड़के के साथ दिख जाए तो उस पर इमोशन अत्याचार करना, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के मुख्य पात्र में देखा जाए तो मुख्य पात्र में है राजकुमार राव, श्रुति हसन। श्रुति हसन की निंदा हमने बहुत सारे रिव्यूज में की है फ्रेंड्स, हमने उनको बहुत सारे रिव्यू में एडवाइस दिए है, लेकिन हमारा चैनल बहुत छोटा है ऐसे श्रुति हसन को लगता है, इसलिए वो हमारे रिव्यूज पे ध्यान नहीं दी। जाके गब्बर ले लो, वेलकम बैक ले लो, और बहुत
बहुत सारी उनकी जितनी भी फिल्में हैं हमने उनसे कहा है कि श्रुति हसन जब बात करती है तो उसमें उनका साउथ इंडियन एक्सेंट छलकता है। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं फ्रेंड्स जिसमें श्रुति हसन जब बोलती है तो एक्सेंट बराबर से निकल के नहीं आता, और इस फिल्म में तो वो कोई एंगल से एक लखनऊ की लड़की नहीं लग रही है। बात की जाए अदर कैरेक्टर्स की तो फिल्म में दर्शन जरीवाला जो है जो राजकुमार के पिता बने हैं बेहतरीन काम किया है फ्रेंड। दर्शन जरीवाला एक ऐसे एक्टर है जो हर रोल में जान डाल देते हैं, एस्पेशली जब वो हमारे हीरो के पिता बनते हैं। फिल्म में है निनाद कामत। वेल निनाद कामत अपने रोल जहर फिल्म के रोल के लिए बहुत मशहूर है जहाँ पर वो इमरान हाशमी के साथ असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर बने थे। फिल्म की कहानी शुरू होती है लखनऊ में जहाँ पर श्रुति हसन के भाई है निनाद कामत, उनकी छोटी बहन और एक भाई रहता है। सामने के घर में रहते हैं राजकुमार राव, दर्शन जरीवाला और उनकी माँ। वेल फ्रेंड्स राजकुमार राव बचपन से ही स्कूल के जमाने से श्रुति हसन से प्यार करते हैं, लेकिन श्रुति हसन के दिल में वो सब कुछ भी भावना नहीं है क्योंकि उनके घर में ये परंपरा है, एक रीति है कि जो भी आपसे प्यार करे उसे आप राखी बांध दो। कहानी आगे बढ़ती है, सब नौजवान बन जाते हैं और राजकुमार राव ये धैर्य एक साहस जुटाकर किस तरह श्रुति हसन से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। लेकिन फ्रेंड उनकी दादी की मृत्यु हो जाती है और किस तरह मृत्यु के शोक सभा में श्रुति हसन रो रही है और हमारा हीरो राजकुमार राव सेडिस्टिक प्लेजर ले रहा है उनको रोते हुए देख के, वो काफ़ी अच्छे दर्शाया गया है इस फिल्म में। दादी के मृत्यु के दौरान राजकुमार राव उनकी मदद करते हैं कुछ 5-6 दिनों के लिए। एक सीन काफ़ी लूज है इसमें कि जब दादी की मृत्यु हो जाती है वो सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, तब श्रुति हसन कहती है कि 400 रुपये की कमी के कारण हम ये सब सामान ये वस्तुएँ नहीं ले पाएंगे। तभी राजकुमार अपने सर पर माता जय माता का जगरात्रा का पट्टी बांधकर चले जाता है चंदा इकट्ठा करने के लिए और 400 रुपये कैसे भी बटोर के लाता है। वैसे अगले सीन में ही वो उसे कहता है कि चलो हम चाय और बिस्कुट खाएंगे। वेल फ्रेंड्स पैसे ना होने के कारण से वो चंदा मांगने गए थे लेकिन अगले सीन में उनके पास पैसे आ जाते हैं चाय बिस्किट खाने के लिए। वेल फिलहाल ये सब छोटी बातें साइड में रखते हुए कहानी पर आते हैं। राजकुमार राव को लगता है कि उन्होंने जो मदद की थी दादी के मृत्यु के बाद इसी के कारण वो श्रुति हसन के दिल में बस जाएंगे, लेकिन वो बहुत मिस्टेक कर बैठते हैं। श्रुति हसन से जब वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, श्रुति हसन उनकी परीक्षा लेती है और बहुत सारे टास्क देती है। वेल वो टास्क को पूरा करते करते श्रुति हसन के दिल में जगह पैदा कर लेते हैं। लेकिन इस फिल्म का जो मेन पात्र है हैरी टंगड़ी, यस फ्रेंड हैरी टंगड़ी वही इंसान है जो राजकुमार राव का दोस्त है और उस एरिया के बहुत बड़े दूध की दुकान वाले का बेटा है। वो दूध की दुकान के अंदर, वो दूध की डेयरी के अंदर वो क्या काम करते हैं और कुछ गुंडे जैसे किस्म के लोग रहते हैं उसमें। हैरी टंगड़ी के पिताजी रहते हैं गुलशन ग्रोवर जो रहते हैं जेल में, और उनके जो भाई रहते हैं वो है पापा रंजीत। वेल फ्रेंड्स तो कहानी आगे बढ़ती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि किस तरह एक दिन राजकुमार राव के पिताजी दर्शन जरीवाला श्रुति हसन को देख लेते हैं हैरी टंगड़ी के साथ बाइक पे। उनको लगता है कि श्रुति हसन का चक्कर चल रहा है हैरी टंगड़ी के साथ। वो ये बात आके कहते हैं निनाद कामत से, श्रुति हसन के भाई से, और वहाँ से शुरू होता है कन्फ्यूजन। वो कहते हैं ना कि अगर आप चुप रहो तो सामने वाला इंसान उसे हाँ या ना दोनों चीज़ें समझ लेता है। वेल फ्रेंड्स यही होता है जब श्रुति हसन का भाई राजकुमार राव से पूछता है कि क्या श्रुति हसन तेरे दोस्त हैरी टंगड़ी की गर्लफ्रेंड है, तब वो ना हाँ बोलता है और ना बोलता है। तभी कन्फ्यूजन शुरू होता है और गुस्से में आकर निनाद कामत श्रुति हसन की शादी फिक्स कर देता है फ्रेंच गाय गौतम गुलाटी से। वेल बात की जाए गौतम गुलाटी की तो फ्रेंड्स गौतम गुलाटी वही शख्स है जो अजहर फिल्म में रवि शास्त्री का कैरेक्टर निभाया था और बिग बॉस के विजेता भी रह चुके हैं। ये फिल्म उन्होंने क्यों साइन की, शायद अच्छे सूट्स पहनना चाहते थे और अपने अच्छे हेयरकट को दिखाना चाहते थे, इसीलिए फिल्म में उन्होंने कम से कम 5-6 मिनट का रोल किया है और उस रोल में भी काफ़ी ओवर एक्टिंग की है उन्होंने। वेल फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ी तो उन दोनों की सगाई फिक्स हो जाती है, राजकुमार राव कुछ नहीं कर पाते।
वेल फ्रेंड्स, यहाँ तक फिल्म इतनी बेहतरीन चलती है, लेकिन उसके बाद जो शुरू होती है फिल्म, बहुत सारी फिल्मों में ये होता है फ्रेंड्स, और ये फिल्म के साथ भी वही हुआ है। बहन होगी तेरी, यू नो, जब इंटरवल तक आती है, बहुत बेहतरीन चलती है। किस तरह राजकुमार राव अपने यू नो यूपीएससी के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, और उसका बाप उसे निनाद कामत, यानी कि श्रुति हसन के यू नो भाई के नाटक कंपनी में रख के यू नो लॉन्च कर देता है वहाँ पर। वहाँ वो कृष्ण भगवान का रोल करता है, किस तरह कृष्ण भगवान को अरेस्ट करते हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सीन है, लेकिन काफ़ी अच्छे से शूट किया गया है। वहाँ तक फिल्म बेहतरीन है, लेकिन इंटरवल के बाद यू नो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को समझ में नहीं आया कि अभी कहानी ले कहाँ जानी है, और फिल्म काफ़ी स्लो हो जाती है फ्रेंड्स। और जो राब्ता के साथ हुआ वही हुआ है बहन होगी तेरी के साथ। खराब डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्ले में कुछ करने के लिए स्कोप ना रहने के कारणवश, और अनएडिट सीन्स, और फिल्म को चुंगम की तरह खींचते हुए यू नो बहन होगी तेरी वही हाल होता है जो राब्ता फिल्म का हुआ था। मेरे पास कहानी आगे बढ़ती है तो फ्रेंड्स ये डिसाइड होता है कि जब रंजीत को पता चलता है, जो बहुत बड़ा गुंडा है, कि हैरी टंगड़ी को यू नो सुजयसन के भाई ने लाफा जड़ दिया, तब वो उनके आगे आके शर्त रखता है कि अब तो तेरी बहन की शादी होगी मेरे बेटे के साथ। लेकिन निनाद कामत ने ऑलरेडी शादी फिक्स की है गौतम गुलाटी के साथ। इसमें राजकुमार राव पूरी फिल्म में कुछ नहीं करता और हाथ पे हाथ धरे हुए बैठ जाता है, और क्लाइमैक्स इतना खींचा हुआ है, गुलशन ग्रोवर को ला दिया है, अननेसेसरी सीन्स डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स क्लाइमैक्स में क्या होता है, क्या श्रुति हसन शादी करती है हैरी टंगड़ी से, क्या शादी करती है राजकुमार राव से, करती है मिस्टर गुड हेयरकट गौतम गुलाटी से, ये देखने के लिए आपको जाके देखना होगा फिल्म बहन होगी तेरी। फिल्म के प्लस पॉइंट्स पे आए तो फिल्म के प्लस पॉइंट्स है इनके एक्टर्स राजकुमार राव और हैरी टंगड़ी, एक पिलर्स की तरह है। मुकेश छाबड़ा को फुल मार्क्स दूंगा, इन्होंने ये टैलेंट्स को प्रमोट किया है, बहुत बेहतरीन लगे हैं। और बात की जाए रंजीत की, तो रंजीत ने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है विलन का, दर्शन जरीवाला और निनाद कामत बहुत अच्छे लगे हैं। वेल फ्रेंड्स एक्टिंग में नेगेटिव पॉइंट पे आए तो श्रुति हसन इस फिल्म का बहुत बड़ा लेट डाउन है। वो कोई भी एंगल से यूपी की लड़की नहीं लग रही है, भले उनको यू नो सस्ते शलवार कमीज पहनाए हैं, विदाउट मेकअप का लुक रखा है, कुछ सीन्स में वो ऐसा लग रहा है कोई फॉरेन पिक्चर की यू नो हीरोइन है, और डायलॉग डिलीवरी पे उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलता। वेल फ्रेंड्स फिल्म के और नेगेटिव पॉइंट्स पे आए तो नेगेटिव पॉइंट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका सेकेंड हाफ का लैक ऑफ स्क्रीन प्ले। ये लोग डायलॉग्स खत्म हो जाते हैं, सीन्स में क्या डालना है खत्म हो जाते हैं, और अननेसेसरी सीन्स इस फिल्म को बड़ा कर देता है। फिल्म 2 घंटा 9 मिनट की है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 3 घंटे से थिएटर में बैठे हो, और क्लाइमैक्स आते आते ये फिल्म दम तोड़ देती है। फिल्म का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके क्लाइमैक्स के डायलॉग। क्लाइमैक्स में किस तरह से राजकुमार राव एक बहुत बड़ी स्पीच देते हैं कि ए बहन होगी तेरी, बहुत अच्छा सीन है फ्रेंड्स। कॉमेडी सीन्स की बात करें तो किस तरह हैरी तंगड़ी को जब निनाद कामत झापड़ मार देता है, वो कहता है कि मुझे कल ही जिंदा गाड़ दूंगा, वो सीन बेहतरीन है। टाकी पे जो दारू पी के सीन करते हैं वो काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है, किस तरह राजकुमार राव कहते हैं कि हर लड़का हर फिल्म में जिसे लड़की मिलती है उसका नाम राहुल रहता है, वो सीन भी काफ़ी अच्छे दर्शाया गया है। स्टार्टिंग में दादी की मृत्यु से लेकर एंड में जो ऋषि ऋषि का गाना आता है वो गाना भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे जो सीन इस फिल्म में सबसे बेहतरीन लगा वो सीन है फ्रेंड्स काला चश्मा का जगरात्रा वर्जन। यस फ्रेंड्स, यू नो माता की जगरात्रा में किस तरह काला चश्मा गाना बजता है और किस तरह से उन्होंने रिमिक्स किया है वो सेम गाना, यू नो हमारी हीरोइन श्रुति हसन की बहन जब उसको लड़का देखने के लिए आता है तब वो गाती है, वो भी सीन काफ़ी अच्छा है। ऑल इन ऑल जब काम की बात आए तो श्रुति हसन परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाती। जगरात्रा के सीन में भी जब उनके बदन में माता और आत्मा आती है वो सीन भी काफ़ी फ्लैट हो जाता है। राजकुमार राव की बात की जाए तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल एंड में राजकुमार इस फिल्म में विनर साबित हुए हैं, उनके लिए मैं देता हूं 1 स्टार, हैरी टंगड़ी के लिए मैं देता हूं 2 स्टार, और हमें वापस से एक ऋषिकेश मुखर्जी जैसी फिल्म दिखाने के लिए और एक काफी सिंपल गुड स्टोरी दिखाने के लिए मैं फिल्म को देता हूं और 1 स्टार। टोटल मैं देता हूं बहन होगी तेरी को 3 out of 5 stars, 2 स्टार इसीलिए कम क्योंकि फिल्म में दिखने के लिए कुछ बचता नहीं इंटरवल के बाद, और आप काफी बोर हो जाते हो और इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी वीक हो जाता है फ्रेंड्स। अगर इस फिल्म को थोड़ा और छोटा कर दिया जाता और इसका एंड और इसका यू नो आफ्टर इंटरवल पोर्शन और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो जाता तो और अच्छा होता था। और बात की जाए केमिस्ट्री की तो फ्रेंड्स श्रुति हसन और राजकुमार राव आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए लगते ही नहीं है और पूरे फिल्म में वो अपनी केमिस्ट्री साबित करने में नाकामयाब होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था फिल्म रिव्यू ऑफ द फिल्म बहन होगी तेरी, जिसको हमने दिए हैं 3 में से 5 स्टार। मैं हूं आमिर अंसारी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड दिस वीक। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस रिव्यू को शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते आते हैं लेकर हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश मूवी का रिव्यूज हिंदी में लेकर। तो फ्रेंड्स दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड एज आई ऑलवेज से स्टे कूल मैन।